नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभुरे शिवाय शंकर नमो नमो शंकर भोले साल में इलेक्शन आता है और इस बार इलेक्शन के लिए बहुत हलचल चल रही है, बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही है। कुछ एमएलए वगैरह यहां मेरे बाजू में बैठे हैं, भाग्यशाली आत्माएं मैंने देखा। और एक बात बताऊं, मैं तहे दिल से बताना चाहता हूं, हम साधु है, हम निष्प्रिय ही है, कंचन कामिनी के त्यागी है। और मैं आज आप लोगों से खुले मन से कहना चाहता हूं, यदि देश को पवित्र बनाए रखना है, हजारों साल की गुलामी की जंजीरों से इस देश को हजारों साल तक सुरक्षित रखना है, तो आज न्यू को मजबूत डालना पड़ेगा, फाउंडेशन मजबूत बनाना पड़ेगा। और ये भारतीय संस्कृति और ये हिंदुत्व की पराकाष्ठा को यदि हमें सुरक्षित रखना है तो उसका एकमात्र आधार पुण्यशाली नरेंद्र मोदी जी है। 1000 साल के इतिहास को याद कीजिएगा, कितने मंदिरों को ध्वंस कर दिया गया, कितने भगवान की मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों भारतीयों को तलवार के जोर पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर करना पड़ा। आज मैं सच कहता हूं, इतने साल की 50 साल की मेरी उम्र है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बने उस दिन से मुझे लगता है कि सचमुच अब भारत देश आजाद हुआ है। हम गर्व के साथ सीना तान करके ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ कुछ व्यापारी चल रहे थे कि हमारे साहब अचानक नोटबंदी हुई, मैंने कहा बैंकों का तो सर्वनाश ऐसे ही कर दिया था, यदि ऐसे कदम नहीं उठाए होते तो भारत देश की रिजर्व बैंक को भी मॉर्गेज रखने के दिन आते। जो त्यागी पुरुष है वो व्यक्ति जो भी निर्णय करेगा वो देश के हित में निर्णय करेगा। और सच कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी हमारे कोई रिलेटिव नहीं रखते हैं। लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए। उसका जितना कोटा है वो सब कैंसिल होना चाहिए, एमपी एमएलए फंड नहीं होना चाहिए। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से राजनीति मेरा पेशा नहीं है, हिंदुत्व मेरा मिशन है और मैं उसी के लिए कार्य करता हूँ। हो सकता है मैं आज राजनीति में हूँ कल न रहूं, लेकिन हिंदुत्व मिशन मेरा जीवन पर्यंत का मिशन है। इस मिशन से मैं किसी राजनीतिक दल के साथ संबद्ध होकर के नहीं, स्वतंत्र रहकर के कार्य करूंगा। और गोरखपीठ की परंपरा आज से नहीं, गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा हजारों लाखों वर्षों की परंपरा है। पीडीसी जिन्ने भी जोड़े नाल ही उठदे बैंदे ने, चल केड़े थाने जा। ये क्लिप उसको दिखाना जो सेकुलर की बात करते हैं।